चप्पल के दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अरविंद शर्मा की। दोस्तों, अरविंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वे पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं तथा सोनीपत से कभी आजाद उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीते थे। फिर वे करनाल से लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीते थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट अरविंद शर्मा के कारण रुकी हुई है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जहां अरविंद शर्मा को रोहतक से चुनाव लड़वाना चाहती है, वहीं वे करनाल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि करनाल उन्हें सुरक्षित सीट नजर आती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया को करनाल सीट से चुनाव लड़वाना चाहता है, जबकि अरविंद शर्मा की पहली पसंद करनाल है। इस वजह से यह सीट रुकी हुई है। ना केवल पूरी भारतीय जनता पार्टी की सूची को अभी विराम लगा हुआ है, हालांकि लगभग एक महीना 10 दिन बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं तथा अभी 10 दिन तक उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीनों से चुनाव की तैयारी संगठन कर रहा है। संगठन के बीच व पैराशूट उम्मीदवार के बीच यह विवाद भारतीय जनता पार्टी को कहां तक ले जाएगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन करनाल जैसी सुरक्षित सीट पर अपने कैडर के स्थान पर पैराशूट उम्मीदवार को अगर उतारा जाता है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दाव विपरीत ना चला जाए, इसको लेके संगठन मंथन कर रहा है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में अरविंद शर्मा के अतिरिक्त नलवा के विधायक रणवीर गंगवा भी शामिल हुए हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी हिसार से उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन हिसार से कैप्टन अभिमन्यु के अतिरिक्त आईएएस अधिकारी व केंद्रीय मंत्री बरिंदर सिंह के बेटे बजिंदर सिंह को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो जिन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सूत्र यह बता रहे थे कि उम्मीदवारों का नाम अंतिम कर लिया गया है, उनमें करनाल सीट एक थी। लेकिन इस सीट के लिए भी अरविंद शर्मा ने अपनी लॉबिंग तेज कर दी है, जिसके चलते करनाल सीट पर संजय भाटिया के अतिरिक्त अरविंद शर्मा अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जबकि संगठन व पार्टी उन्हें रोहतक सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है। तो आज इतना ही, इस इंतजार में कि भारतीय जनता पार्टी कब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। नमस्कार।